देश में कोरोना ने पकड़ा फिर से जोर। बीते 24 घंटे में 11,000 नए केस आए सामने, एक्टिव केस हुए 1.5 लाख से पार। देश में डेंगू के लगभग 1 लाख से भी ज्यादा मामले आए सामने, केंद्र ने 9 राज्यों में हाई लेवल की टीम भेजी। शेयर बाजार में आई तेजी, सेंसेक्स 246 अंकों के उछाल के साथ खुला। तमिलनाडु में नहीं थम रहा बारिश का कहर, 15 जिलों में स्कूलों की छुट्टी को किया गया घोषित। अमेरिका में 8 नवंबर से 5 साल से 11 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, फाइजर के टीके को मिली मंजूरी। इटली और यूके के दौरे के बाद भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। आज अयोध्या में दिवाली का भव्य आयोजन किया जाएगा, लगभग 12 लाख दिए जलाए जाएंगे और राम नगरी को चमकाया जाएगा। सारा अली खान और जानवी कपूर पहुंची केदारनाथ, BFF जोड़ी को पसंद कर रहे लोग। IIT मुंबई के एक प्रोफेसर ने सौर ऊर्जा से चलने वाला बनाया दिया, जो सूरज की किरणों से होगा चार्ज। लखीमपुरी खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर होगी आज सुनवाई।